हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा डीडीए गेट आर्किटेक्चर और यूपीएससी आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन का थर्ड वीडियो है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द प्लान ऑफ विच बिल्डिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइट डी हैबिटेशन, जो कि फ्रांस में है। इसके आर्किटेक्ट हैं ली कार्बोजियर, हु इज फेमस फॉर हिज ब्रूटलिस्ट कंसेप्ट और फिलोसफी। इस बिल्डिंग का शेप कुछ ऐसा है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट नहीं है, विच मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड दिस बिल्डिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस। दोस्तों, हाजिया सूफिया का प्लान काफी स्क्वायर सा है, बीच में ओवल शेप का कटआउट है, इस साइड में गैलरी, यहाँ पे डोम एंड हियर इज द स्क्वायर। वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू हाफ्स। नेशनल असेंबली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विच इज़ लोकेटेड इन ढाका वॉज डिज़ाइन बाई लुइस खान। इसका प्लान कुछ इस तरीके से है। दीज आर दी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स सराउंडिंग दी सेंटर एंड हेयर इज दी एंट्रेंस। इस साइड में ओवल शेप का एक ब्लॉक है, सो दिस कैन ऑल्सो डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्लान ऑफ विला कैपरा, तो ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, स्क्वायर इन सेंटर एंड इन ऑल द फोर साइड्स एंट्रेंस स्टेप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रेड हाउस बाय विलियम मॉरिस बिलोंग टू अ मूवमेंट इन आर्किटेक्चर नेमली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। सो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड डेकोरेटिव्स दैट बिगिन इन ब्रिटेन, फ्लरिश्ड इन नॉर्थ अमेरिका बिटवीन 1880 to 1920। लीडिंग फिगर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज वॉल्टर क्रेन। दिस मूवमेंट रिप्रेजेंट सम सेंस ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द हार्ड मैकेनिकल कन्वेंशनल लाइफ एंड इट्स इनसेंसिटिविटी टू ब्यूटी। दोस्तों, ये 1880 to 1920 का जो पीरियड है, ये लाया करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड पे। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए अगेंस्ट दी इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच फोकस ऑन जस्ट प्रोडक्शन रादर देन ब्यूटी, अगेंस्ट दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर चीप प्राइजेज एंड विथ लैक ऑफ ब्यूटीज। सो दिस इज़ वन ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट दी इंडस्ट्रियलाइजेशन। रेड हाउस बाय विलियम मॉरिस इज़ वन ऑफ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस मूवमेंट। विलियम मॉरिस एंड बैडफोर्ड पार्क। नाउ लुक इनटू सम अदर ऑप्शंस। सो आर्ट डेको, सो इन आर्ट डेको बिल्डिंग्स ऑफन हैव स्लीक लीनियर अपीयरेंस विथ स्टाइलाइज्ड ऑफन ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन। जनरली मटेरियल यूज्ड इन दीज बिल्डिंग्स आर स्टूको, कन्वर्ट ब्लॉक, ग्लेज ब्रेक एंड मोज़ेक टाइल्स। सम फेमस एग्जांपल ऑफ आर्ट डेको was Chrysler Building, which is in New York and designed by William Van Allen. 30 Rockefeller Center, which is designed by Raymond Hood. American Radiator Building, New York, which is also designed by Raymond Hood. And General Electronics Building, which is designed by Cross and Cross Group, are some of the fine example of art deco buildings. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है। द डिज़ाइन ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग मस्ट बी जज्ड अमंग द अदर बाय इट्स कैपेसिटी टू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर बी, कनेक्ट सीमलेसली टू द स्ट्रीट इट इज़ ऑन। दोस्तों, एक पब्लिक बिल्डिंग में दो तीन फीचर्स होने चाहिए जो कि उसे बाकी बिल्डिंग से काफ़ी अलग बनाता है। ऐसी जगह लोकेट होनी चाहिए ताकि पीपल कैन कम इजीली। एंड नेक्स्ट इज अ ग्रैंड एंट्रेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्बन हीट आइलैंड इज अ फिनोमेना कॉज्ड बाय, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हाई परसेंटेज ऑफ रेडिएशन बाय द बिल्ट मास इन अर्बन एरियाज बाय हाई डेंसिटी एंड हाई राइज कंस्ट्रक्शन। थर्ड इज इन लो राइज बिल्ट अप एरिया। सो हेयर ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 1 and 2 ओनली। दोस्तों, जनरली जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है
वो मेगा सिटीज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। एंड सिटी के आउटसाइड में ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स होती हैं जो कि लो राइज होती हैं। दोस्तों, इस इफ़ेक्ट के थ्रू जनरली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये बिल्डिंग्स हीट एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसे रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में यही दो फिनोमेना की बात की गई है। अदर देन दिस, इन लो राइज बिल्ट अप एरिया दिस इफेक्ट इज क्वाइट नेग्लिजिबल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, आर्ट नोवू एडवोकेट्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ ऑल गुड डिजाइन। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विलियम मॉरिस वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ आर्ट नोवू मूवमेंट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि विलियम मॉरिस इज एसोसिएटेड विद आर्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, विलियम मॉरिस वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ आर्ट नोवू मूवमेंट। सो दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो विलियम मॉरिस है वो एसोसिएटेड है आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, और इन्होंने डिज़ाइन किया था रेड हाउस बिल्डिंग। थर्ड ऑप्शन है, आर्ट नोवू वॉज एक्सप्रेस्ड इन फैब्रिक फर्स्ट एंड वॉज लेटर यूज इन आर्किटेक्चर एंड फर्नीचर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ इज, आर्ट नोवू ऑब्जेक्ट टू बोरोविंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम द पास्ट और अदर कल्चर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर �फ दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। दोस्तों, जो आर्ट नोवू मूवमेंट है, इसका पीक टाइम था 1890 to 1910। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लटरिंग इको इज फॉर्मड इन रूम इन विच फर्स्ट इज अपोजिट वॉल्स और फ्लोर्स एंड सीलिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर एकॉस्टिकली, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्लैट सरफेस रिफ्लेक्ट द एकॉस्टिक वेव टू अ लार्ज एक्सटेंट। थर्ड है, टाइम बिटवीन द एंड ऑफ वन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव इज लॉन्गर देन 15। तो दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 1 only। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो फ्लटरिंग इको है वो फॉर्म होता है जब वॉल एंड सीलिंग्स आर पैरेलल, एंड सपोज हे दिस इज द स्पीकर, दिस इज द सीट फॉर लिसनिंग। तो जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके का साउंड ट्रैवल होता है तो इसे बोलते हैं फ्लटरिंग इको। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। फ्लोट ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, पोरिंग मोल्टन ग्लास ऑन टू अ सरफेस ऑफ मोल्टन टिन एंड अलाउइंग इट टू कूल स्लोली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेल्स आर थिन कर्व प्लेट स्ट्रक्चर constructed of reinforced concrete in which, so the correct answer of this is option number A, the structure and membranes are one. So shell structure का एक famous example है Sydney Opera House, जो कि Australia में है, और इसे design किया था John Hudson ने। इस तरीके के जो structure होते हैं, इसमें जो ये जो membrane होता है, जो outer layer होती है, और स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जो कि इसके अंदर होता है, सिंगल यूनिट वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैजेंटा इज अ कलर डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कलर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सब्सट्रैक्टिव प्राइमरी कलर्स। इसे हम CMYK कलर सिस्टम भी बोलते हैं। दोस्तों, इस कलर सिस्टम में 3 मेन कलर होते हैं, मैजेंटा, येलो एंड सियान, और जो फोर्थ कलर होता है सेंटर में ब्लैक, विच रिप्रेजेंट बाय के। और इन्हीं कलर के एडिशन से हमारे ग्रीन, ब्लू और रेड कलर बनते हैं, जिन्हें हम एडिटिव प्राइमरी कलर्स कहते हैं। रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर एडिटिव प्राइमरी कलर। जो सिलेक्टिव प्राइमरी कलर्स होते हैं वो हैं रेड, येलो एंड ब्लू। तो जो मैजेंटा है वो CMYK के कलर सिस्टम में आता है, जो कि एक सब्जेक्टिव प्राइमरी कलर है। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिज़ाइन क्वालिटी इंडिकेटर्स फॉर बिल्डिंग मे नॉट इंक्लूड। दोस्तों, जो डिज़ाइन क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उसमें मेनली दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज बिल्ड क्वालिटी, सेकेंड इज फंक्शनैलिटी। बिल्ड क्वालिटी कंटेंट्स इट्स
इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चरल एबिलिटी, फिनिशेस एंड फिटिंग, इंटीग्रेशन एंड रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम. फंक्शनैलिटी जनरली कंटेन्स यूजेस, एक्सेस, इंटरेक्शन ऑफ स्पेस, क्वालिटी ऑफ स्पेस एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्पेसेस, विच इज सिमिलर टू प्लेस मेकिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टार वैल्यू ऑफ आर्किटेक्ट, which does not define the quality of building. Apart from these two parameters, impact is another important parameter which generally deals with forms and material, effect on environment, etc. So these three parameters are equally important in a design quality indicator: बिल्ड क्वालिटी, फंक्शनैलिटी एंड इम्पैक्ट. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट 10 टू 15 क्वेश्चंस इन डिटेल. दोस्तों, इस तरीके से हम सारे ही ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे तो हमें एक ही क्वेश्चन से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, जो कि आपके लिए किसी भी आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. दोस्तों, मैं वीक में ऐसे ही 2-3 वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच मोर वीडियोस लाइक दिस. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.